दिल्ली में किसानों का आंदोलन और गरमाया, जयपुर दिल्ली रोड को चक्का जाम करने की तैयारी। किसान नेताओं का ऐलान, दिल्ली को घेर कर ठप करेंगे पूरा कामकाज। पीएम मोदी ने किसान आंदोलन पर उठाया सवाल, फिक्की समारोह में बोले, सिर्फ आशंकाओं पर आधारित है किसानों का आंदोलन, किया दावा, कृषि कानून लागू होने से बढ़ेगी किसानों की आमदनी, कृषि विकास से जुड़ी बाधाएं दूर कर रही सरकार। आज भारत में मंडियों का आधुनिकरण तो हो ही रहा है, किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फसल खरीदने बेचने का भी विकल्प दिया है। इन सारे प्रयासों का लक्ष्य यही है कि किसानों की आय बढ़े, देश का किसान समृद्ध हो। इंटेलिजेंस रिपोर्ट में खुलासा, किसान आंदोलन की आड़ में दंगे फैलाने की हो रही साजिश। किसान नेता राकेश टिकैत ने किया मोदी विरोधी दलों पर इशारा, संदिग्धों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूछा मोदी सरकार से सवाल, कृषि कानून रद्द कराने कितने किसानों को देनी होगी कुर्बानी, दिया सुझाव, हट छोड़कर किसानों को न्याय दे एनडीए सरकार, कड़कती ठंड में चल रहा धरना प्रदर्शन। बदल सकता है आपका वोटिंग कार्ड, वर्चुअल वोटिंग कार्ड उपलब्ध कराने की तैयारी में जुटा है निर्वाचन आयोग, मतदाता पहचान पत्र को सुलभ और सुरक्षित बनाने की कवायद। शहीद जवानों के परिजनों को घर बनाने फ्री मिलेगा सीमेंट, श्री सीमेंट कंपनी ने लॉन्च किया प्रोजेक्ट नमन, वर्ष 1990 तक शहीद हुए जवानों के परिजन उठा सकेंगे योजना का लाभ। 80 की उम्र में भी सक्रिय हैं एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार, बेटी सुप्रिया सुले ने पोस्ट किया वीडियो, पीएम मोदी ने दी जन्मदिन की बधाई, सेहत और लंबी उम्र की कामना, मोदी विरोधी गुट के नेता माने जाते हैं पवार। महाराष्ट्र सरकार का अनोखा फरमान, मुंबई मंत्रालय में महिला कर्मियों के जींस पहनकर आने पर लगाई पाबंदी, परिधान को लेकर जारी हुआ नया जीआर, पुरुषों के लिए भी शालीन ड्रेस पहनने का आदेश। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे के खिलाफ शिवसैनिकों का प्रदर्शन, किसान आंदोलन पर मंत्री के बयान पर फूटा गुस्सा, उठाई मांग, माफी मांगे मंत्री। बीजेपी के दिवंगत नेता गोपीनाथ मुंडे की जयंती पर बोले पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस, सत्ता के लिए समझौता नहीं संघर्ष करेंगे, श्रद्धांजलि देकर बोले, प्रेरणादायी है गोपीनाथ मुंडे की यह सीख। गोपीनाथराव मला एकच गोष्ट सांगायचे की देवेंद्र, जीवनामध्ये जर मोठा व्हायचं असेल तर सत्तेशी समझौता करू नको, सत्तेशी संघर्ष कर, सत्तेशी समझौता करून कोणालाही पुढे जाता येतं, पण मोठा होता येत नाही, सत्तेशी संघर्ष करूनच आपल्या जीवनामध्ये मोठा होता येतो। आज गोपीनाथराव प्रत्यक्ष रूपाने नसले तरी त्यांचा आशीर्वाद आमच्या पाठीशी आहे, त्यांना कुठलंही संकट आलं तरी त्या संकटामध्ये गोपीनाथराव सोबत राहून आम्ही शिकलो संकटावर मात कशी करायची, अडचण किती संकट आली तरी आमच्या समोर सामान्याचा विचार असतो। मुंबई के रेल ब्रिज की तरह गिर सकते हैं नवीमुंबई के अंडरपास, पूर्व मंत्री गणेश नाइक ने की है स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने की मांग, नवीमुंबई मनपा को हस्तांतरण करने का भी दिया सुझाव, सिडको ने 20 साल पहले बनाए हैं रेल पटरियों पर दर्जनों भूमार्ग। स्वच्छ भारत योजनेअंतर्गत शहरामध्ये प्रत्येक नोड गाव आणि झोपडपट्टी परिसरामध्ये वॉर्ड गणिक आपण स्वच्छतेची मोहीम घेतलेली आहे आणि निश्चितपणे त्या योजनेमध्ये सहभागी झालेले अधिकारी कर्मचारी या लोकांनी इतक्या वर्षात मेहनत केली म्हणून गेल्या वर्षी आपल्याला देशात तिसरा नंबर मिळाला, राज्यात सातत्याने पहिला नंबर मिळतो, परंतु तेवढा आनंद देणारा नाही आहे, देशामध्ये एक नंबर का मिळू नये याकरता जी सतर्कता दाखवली पाहिजे त्याकरता सगळ्या म्हणजे सबवेमधून जाणारे हे मार्ग असतील, आयलँड्स असतील, कानाकोपऱ्यातल्या काही असलेल्या म्हणजे गल्ले असतील, त्या सर्वच ठिकाणी स्वच्छता ठेवावी म्हणून आम्ही मागणी केलेली आहे। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।